फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति क्रिएशन। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ब्रेड की बिल्कुल ही खास रेसिपी, जिसे आपने देखा तो दूर खाया भी नहीं होगा। बिल्कुल ही न्यू और यूनिक रेसिपी है, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे लिए नॉर्मल साइज ब्रेड, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। अब हम इसके साइड्स को हटा देंगे कट करके। इसी तरह हम और भी ब्रेड की साइड्स को काट कर हटा लेंगे। आप इन कटे हुए साइड्स को फेंकने, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 8 से 10 ब्रेड के साइड्स को काट कर हटा लिए हैं। अब हम इन ब्रेड को एक बाउल में ले लेंगे और इसमें हम तकरीबन 1 कप दूध डाल लेंगे। और अब हम ब्रेड को अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ही ब्रेड दूध में अच्छे से घुल जाने चाहिए। अगर लग रही हो कि दूध की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है तो आप 1-2 ब्रेड के साइड्स को काट कर और भी डाल सकते हैं। या आप चाहे तो दूध की जगह पानी भी यूज कर सकते हैं, पर दूध ज्यादा बेटर होगा। और इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे दूध अच्छे से ब्रेड में अब्सॉर्ब हो जाएगी। और तब तक हम एक पैन को गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। और यहाँ पर मेरे लिए तकरीबन 200 ग्राम मावा, ये घर की मावा है। और अब हम इसे पैन में डाल लेंगे और इसे हल्का गर्म कर लेंगे। मावा को हल्का गर्म करके यूज करने में उनका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और इसे अच्छे से क्रश करते जाएंगे, जिससे मावा की इसमें गुठलियाँ ना रहे। और अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे से मिठास बनी रहेगी। और अब हम शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे अच्छे से मेल्ट कर जाएगी। और अब हम लास्ट में फ्लेवर को और भी बढ़ाने के लिए इसमें 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मावा भी अच्छे से भुन चुकी है और इसकी शक्कर भी मेल्ट हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मावा को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक बर्तन में तकरीबन 1/2 कप पानी डाल लेंगे और इसमें 1 कप शक्कर ऐड कर लेंगे। और शक्कर को हम पहले 1 चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे शक्कर अंदर चिपकेगी नहीं। और इसमें 1 इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। और चाशनी को हमें उबाल आने तक पकाते रहना है। ये देखिए, अब चाशनी में अच्छे से उबाल आ गई है। चाशनी को हमें सिर्फ उबाल आने तक ही पकाना है। इसे हमें ना 1 तार और ना ही 2 तार का बनाना है। अब ये रेडी हो गए, हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये हमारी आखिरी स्टेप। जी हाँ फ्रेंड, इस रेसिपी को हम अपम सेट में बनाने वाले हैं। इसमें बिल्कुल ही कम तेल लगती है बनाने में। और अब हम इन अपम सेट की कैविटी में तकरीबन 2-2 बूंद घी डाल देंगे और इसे हम एक ब्रश से अच्छे से फैला लेंगे। गैस के फ्लेम को अभी तक हमने बंद ही रखे हैं। और अब हम ब्रेड और दूध वाले मिक्सर को इसे हम कैविटी में डालेंगे। तकरीबन 1-1 चम्मच हम इन मिक्सर को कैविटी में डालते जाएंगे और 1 चम्मच की मदद से इसे अच्छे से फैलाते जाएंगे। और अब हम जाके गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। और अब इसमें जो मावा के हमने मिक्सर बना कर रखे हैं, उसके हम छोटे छोटे पेरे काट लेंगे। और अब हम सभी कैविटी के बीच में 1-1 पेरे डालते जाएंगे। और अब हम करेंगे कि जो दूध और ब्रेड वाले मिक्सर है, उसे हम इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। तो ये अब रेडी हो गई पकने के लिए। गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल ही लो रखना है। और अब हम इसे लीड से कवर कर देंगे, जिससे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। इसे बीच बीच में जरूर चेक करते रहें। तो ये देखिए, अभी तक ये रेडी नहीं हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी और हम घी लगा लेंगे। और हाँ, एक और बात का आप खास ध्यान रखें, अपम सेट का जो टेम्परेचर वो बीच में ज़्यादा लगता है, इसलिए आप इस सेट को घुमाते रहें, जिससे सभी साइड टेम्परेचर अच्छे से लगे। थोड़ी देर के बाद ये देखिए, अच्छे से गोल्डन होने लगे। अब हम सभी अप्पे को पलट लेंगे और दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे अप्पे रेडी हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम सभी अप्पे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इन्हें ब्रेड के गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। बिल्कुल ही गुलाब जामुन की तरह फुले फुले हुए हैं। तो ये लीजिए, बिल्कुल ही कम घी में हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। इसे हमने थोड़े से डेकोरेट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी बनाई हुई चीनी की चाशनी से इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल ही कम घी कम मेहनत में हमारी ब्रेड की गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गई है। और ये अंदर से भी बिल्कुल ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार रेसिपी के साथ।